पाकिस्तान की टीम में अफगानिस्तान हमारे लिए नया नेमेसिस बन गया। अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलने चले हैं। अब गुल्ली डंडा खेलो तुम, कोई मां पास करेगा तो टेम्पर्स जो है वो होंगे। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों आज पाक मीडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्रिकेट मैच में जो अफगानों ने पाकिस्तान की धुलाई की थी उसके बारे में रो रहा है। पाक मीडिया कह रहा है कि अफगानों की हमने इतनी मदद की, हमने अफगानों को क्रिकेट खेलना सिखाया और अब यही अफगानी हमारी पिटाई कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान से क्रिकेट मैच में जीत गया है। तो इससे पता चलता है कि अफगानी पाकिस्तानियों को कितना पसंद करते हैं। और पाक मीडिया इस वीडियो में अफगान क्रिकेट टीम और फैंस के ऊपर आईसीसी के द्वारा बैन की मांग भी कर रहे हैं। तो पाक मीडिया इस घटना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। ये पाकिस्तान की टीम में अफगानिस्तान हमारे लिए नया नेमेसिस बन गया, नया हमारे लिए अजाब बन गया ये अफगानिस्तान। नहीं भाई, वो अब हम अफगानिस्तान से क्रिकेट खेलने चले हैं। अबे गुल्ली डंडा खेलो तुम लोग, जनरेटर चला रहा है, ऐसे डांस कर रहा है, दौड़ता आ रहा है जैसे पता नहीं 25 रन मार गया और तीन बॉलों में विकेट के अपनी वो होती नहीं है। आके आसिफ को चार जूते लगाता, जी कोई और होता तो देता, तो आसिफ को ना लगाता कि वो उसे चार जूते लगा दे। आसिफ एक बल्ला उसको क्यों ना मारता, आपने देखा हुआ क्या है? वैभव गुप्ता जी आपको पता नहीं है तो आप प्लीज बेइज्जती के बीच जब जब कोई मां बहन को पास करेगा तो टेम्पर्स जो है वो होंगे। ए देखो पास में भी कुछ लड़के इनके बड़े अच्छे हैं, विकेट कीपर इनका बड़ा अच्छा वेल बिहेव्ड है, इनका राशिद खान बड़ा अच्छा मेच्योर है, बाकी सारे आपको अगर याद हो वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में भी वो नवीन लड़के की वो मोहम्मद आमिर से बातचीत हुई थी, वो मोहम्मद आमिर बाद में कई इंटरव्यूज में कह चुका है कि यार वो सीधी सीधी गालियां दे रहा था मां बहन की, और जब कोई गाली देगा तो आप उसको क्या बोलेंगे, जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। और अभी आसिफ मैं उसके इतने बेतहाशा इंटरव्यू देखे आसिफ के, वो इतना जेंटलमैन है, बहुत ही लाजवाब किस्म। नहीं हम डिफेंड नहीं कर रहे आसिफ, जो बात सच है वो करेंगे और अच्छी नहीं लगती तो आपकी मर्जी है। आप उसके इंटरव्यूज देख लें, जिन लोगों से वो मिलता है उनसे देख लें कि वो आम कन्वर्सेशन में भी कोई गालम ग्लोच नहीं, और बिल्कुल, और इतना उसको अरसा हो गया खेलते हुए। ये बीच में चुभन वो थी कि जो वर्ल्ड कप में उसने चार छक्के नहीं मारे थे इनको, तो उसने आउट करने के बाद जरूर उसने कोई गाली वाली बकवास की होगी। हर दफा इतना इतना ज्यादा रिएक्शन के
अब यहां तक नौयत आ गई कि कुर्सियां निकाल निकाल के वो कुर्सियां मारी गई। ये कौन सी बारबेरियज्म है, ये कौन से जंगल के कानून में हम जिंदा हैं कि इस जंगल के कानून को हम एक्सेप्ट करेंगे, वट एवर इट इज, दिस इज अ वेरी 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 शेमफुल थिंग। तो इस आग को ना बढ़ने दीजिए, क्योंकि आज अगर इस आग को बढ़ने दिया तो ये आग कल को कहीं और पहुंचेगी। और ये क्रिकेट में कौन सा निजाम शुरू हो गया, एक क्रिकेट मैच था पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान, एक हाई इंटेंसिटी था भाई। इंडिया पाकिस्तान के फैंस जिनके बीच में 75 साल का मसला है, वो ऐसी हरकतें नहीं करते आपस में। वर्बल होता है, वर्बल का जवाब वर्बल से देना चाहिए था। उसने एक गाली बकी थी आपको, वहां मां बहन की 50 गालियां या भाई बेटे की 100 गालियां बकनी चाहिए थी अगर आपको लगता है जी गाली इस लेवल तक थी। लेकिन आसिफ की गलती कि जहां आपने हैंड जेस्चर दिखा दिया वहां आप गलत हो गए, माजी में ऐसा हुआ है। अब मेरे जैसे आदमी को या आपके जैसे आदमी को कोई मुंह पे आके आपको फला ढिमका ये कहेगा तो गुस्सा किसी को भी चढ़ता है। तो लॉ बुक के लिहाज से शायद हो सकता है कि जो जेस्चर है वो आसिफ अली के अगेंस्ट जाए। अब इसका होता क्या है, इसके ऊपर बैन भी हो सकता है, 100% फाइन भी लग सकता है। चलिए दोस्तों इस वीडियो पे बात करते हैं, तो पहले मैं बोलना चाहूंगा कि खेल को खेल की तरह लेना चाहिए और इसमें मारपीट नहीं होनी चाहिए। और मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि वहाँ पे औरतें और बच्चे भी मौजूद होते हैं, मारपीट में उनको भी चोट लग सकती है। तो इसीलिए क्रिकेट मैच में खास करके या किसी भी खेल में मारपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बच्चे और औरतें भी मैच देखने जाते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा पाक मीडिया जो यहाँ पे बोल रहा है कि हमने तो कुछ नहीं किया था और ये सब अफगानों ने शुरू किया, तो आपने मेरे वीडियो में देखा होगा कैसे पाकिस्तानी जो फैंस है वो मैच के दौरान अफगानों का मजाक उड़ा रहे हैं। तो ये कहना कि पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया था और अफगानों ने सारी शुरुआत की और अफगानों ने बिना वजह पाकिस्तानियों के साथ मारपीट की, ये बिल्कुल ही गलत है। पाकिस्तानियों ने अफगानों को चिढ़ाया था और उसी की वजह से अफगानों ने पाकिस्तानियों के साथ मारपीट की। पर फिर भी मैं कहना चाहूँगा कि अफगानों को पाकिस्तानियों के चिढ़ाने के बावजूद मारपीट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर औरत और बच्चे भी मौजूद रहते थे, तो मारपीट करना गलत चीज़ है। पर यह कहना कि पाकिस्तानियों ने कुछ नहीं किया था और ये सब अफगानों ने ही शुरू किया और अफगानों ने बिना वजह पाकिस्तानियों को पीटा, ये बिल्कुल ही गलत है। तो पाक मीडिया यहाँ पे गलत बोल रहा है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाक मीडिया जो कहा कि अफगान क्रिकेट प्लेयर ने गालियाँ दी, तो इसीलिए पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर ने बैट से मारने का इशारा दिया, तो अफगान क्रिकेट प्लेयर ने गाली दी, इसका क्या सबूत है? और पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर ने बैट से मारने का इशारा दिया, इसका तो वीडियो है, तो इस पर अगर इंक्वायरी हुई तो पाकिस्तान बुरा फंसेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।